हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आप देख रहे हैं इंटेलेक्चुअल इंडीज। और आज हम बात करेंगे अपनी वेबसाइट की स्पीड कैसे बढ़ाएं और फ्री में SSL सर्टिफिकेट कैसे लें। कंप्यूटर के अंदर सीधा चलते हैं और सीधा मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कैसे आप कर सकते हो फ्री के अंदर क्लाउड फ्लेयर के थ्रू। तो भाई क्लाउड फ्लेयर खोल लेना, वहां पर आपको अपना साइन अप कर लेना अपनी ईमेल आईडी भर के। खुलने के बाद ऐसा कुछ खुलेगा, वहाँ पे जाके आपको अपनी वेबसाइट का लिंक बताना है उनको। तो मैं आपको समझाने के लिए एक वेबसाइट देता हूँ। यहाँ पे जाके मैं ऐड कर दूंगा इस साइट को। कुछ टाइम लेगा ये चेक करने के लिए, उसकी सारी डिटेल्स निकालने के लिए। अब ये दिखा रहा है कि भाई इन्होंने सारी डिटेल्स निकाल दिए। आप नेक्स्ट करोगे, आपसे पूछ रहा है आपको कौन सा प्लान चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए अगर आपको फ्री में SSL चाहिए और आप अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो ये फ्री वाला लेके कंफर्म प्लान कर दो, पढ़ लेना अगर आपको ज़रूरत हो तो। ये बता रहा है आपको एक फ्री वेबसाइट मिलेगी, अगर दूसरी चाहिए होगी तो ये कहेंगे आपको दूसरा प्लान लेना चाहिए, पर मैं कहूँगा एक और जीमेल आईडी बना के उसी से कर लेना, बेटर वही पड़ता है। कंटिन्यू करते हैं, कंफर्म प्लान हो गया। अब ये मेरी पूरी वेबसाइट की डिटेल्स निकाल देता है। यहाँ पे आपको चेक करना होगा अपने सी पैनल में जाके कि ये सही है फिर नहीं है, पर इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और मैं आपको दिखा नहीं सकता कि ये डिटेल्स क्या है सिक्योरिटी की वजह से। हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी मेरे को बता रहा है कि आपको अपना DNS चेंज करना है, यहाँ से आपको ये कर देना है, यहाँ से आपको ये कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जहाँ पे डोमेन ले रखा है जहाँ से भी, मैं वहाँ पे जाऊँगा और उसकी DNS प्रॉपर्टीज़ को चेंज करूँगा। मैं अपने डोमेन्स के सेक्शन के अंदर जाऊँगा और वहाँ पे मैं अपनी डोमेन देखूँगा। डोमेन के अंदर मैं जा के, ये जो आप पैनल देख रहे हो हर जगह का अलग अलग होता है, जहाँ से आपने लिया है वहाँ का अलग होगा। तो जो नेम सबर वन में लिखा हुआ है उसको हटा के जो यहाँ पे दे रखी है वैल्यू उसको डाल दो, नीचे वो डाल दो। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट मार दूँगा। मैं फिर से यहाँ जाऊँगा, मैं इसको कॉपी मारूँगा, मैं यहाँ जाऊँगा और इसको यहाँ जाके पेस्ट मार दूँगा। यहाँ पे इन्होंने लॉक लगा रखा है कि आप नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ करके सेव कर दूँगा। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। अब जैसे आप देख सकते हैं ये मेरी वेबसाइट चल रही है, सही चल रही है, सब कुछ चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने कर दिया, मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू करने के बाद जाके मैं यहाँ पे रीचेक सर्वर के ऊपर डालूँगा और मैं इनसे चेक करूँगा क्या मैंने सही से किया है या फिर नहीं किया। अगर ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है अभी की अभी तो काम हो जाएगा, वरना हमको 24 घंटे वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो SSL है इसको फुल रखना, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे इसको हाफ हाफ रखना, पर मुझे इसमें इशू आया पर्सनली, तो यहाँ पे इसको फुल ही रखना। कई लोग कहेंगे फ्लेक्सिबल रखो, पर मैं कहता हूँ फुल रखो। फुल मेरी होस्टिंग प्रोवाइडर सही देता है मेरे को। ये चीज़ जो है ये वर्डप्रेस के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से चलती है। अब मैं इसके वर्डप्रेस पैनल के अंदर जाऊँगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने बहुत टाइम के बाद इसको खोला है। अब मैं लॉगिन के बाद ऐड न्यू करूँगा, प्लगइन के अंदर जिस कंपनी का हमने खोल रखा है क्लाउड फ्लेयर, इसी का प्लगइन सर्च मारूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे बहुत सारे आ रहे हैं, पर ये देखो ये क्लाउड फ्लेयर है, ये बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, यही वाला आपको चाहिए। तो आप इंस्टॉल करेंगे इसको और उसके बाद जाके इसको कर देंगे एक्टिवेट। अब सेटिंग्स में जाओगे, आप सेटिंग्स में जाके यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर दिखाई दे रहा होगा, इस क्लाउड फ्लेयर पे क्लिक कीजिए। अब ये दिखा देगा आपको अपना अकाउंट बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। साइन इन हेयर, जाके यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी रखी है जो भी आपने ईमेल आईडी रखी है, और यहाँ पे जाके अपनी API की जो आपने दे रखी है यहाँ पे नीचे की साइड पे, यहाँ पे गए आप गेट योर API की, ऐसे खुल गया। उसके बाद जाके अपनी ग्लोबल की जो आपको दे रखी है उसको व्यू करना। उसको कॉपी मारना और जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना और यहाँ पे जाके कर देना सेव चेंजेस। अब इसको जाके टर्न ऑन कर देना यहाँ पे जाके I am sure। उसके बाद जाके यहाँ पे कर देना अप्लाई, दैट्स इट, कहानी ख़त्म, ऐश करो। अब अगर आप चेक करोगे तो आपका SSL आ चुका होगा और सब कुछ हो चुका होगा काम से।
यहाँ पर दिखा रहा है अनेबल आई एम अंडर अटैक मोड। अगर आपको लगता है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है बॉट के थ्रू, कोई मेरे सर्वर को फेल करना चाहता है, कुछ ना कुछ घपला चल रहा है, हैकिंग होने वाली है, तो आप इसको अनेबल कर लेना। तो क्या होगा, जब भी आपकी कोई वेबसाइट खोलेगा वो एक बार क्लाउडफ्लेयर के थ्रू होती हुई जाएगी, एक बार वो वेरीफाई होगी तब जाके खुलेगी। तो मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि हमारा मेन मोटो ये है कि हमको इसको SSL चाहिए, साथ के साथ हमको अपनी वेबसाइट की स्पीड बढ़ानी है, और हम उतने बड़े बिजनेसमैन नहीं है। अगर कोई हमारा इतना बड़ा दुश्मन होगा तो हम ये फ्री वाला अकाउंट नहीं सोच रहे होंगे, हम पैसे देने वाला अकाउंट लेंगे। तो चलिए अब हम चेक करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट पे SSL लगा है या फिर नहीं लगा। मैं अपनी वेबसाइट को खोलूँगा, मैं सिक्योर पे जाऊँगा, मैं सर्टिफिकेट्स पे जाऊँगा, मैं यहाँ पे जाके देखूँगा। कमोडो का सर्टिफिकेट आ चुका है हमारे पास, जी हाँ। हैश करो, एक्सपायर कब हो रहा है, 19 जनवरी 2038। हैश करो, फ्री में सर्टिफिकेट मिला है आपको, चलो याद रखोगे अभी आप मुझे। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी और आप ये कर लेंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। वीडियो को शेयर कर देना ताकि लोग जान पाए SSL कैसे करते हैं। लाइक करना, कमेंट में अगर कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर पूछना।